जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन से संबंधित बातचीत करेंगे तो प्रदेश के एक जिले में 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश में एक जिला है जहां पर 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पहले 3 जिले थे जहां पर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया था, जो मैंने आपको बता दिया, अशोकनगर, धार, रतलाम। लेकिन दोस्तों एक और जिला है जहां पर लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया, सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश दे दिए। कौन सा वो जिला है जहां पर 24 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है, पूरी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, वीडियो को शेयर कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एमपी के सिंगरौली में 24 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 24 मई को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है और इसकी जो पॉजिटिविटी रेट लगातार घटती जा रही है, 12% से नीचे आ चुकी है। हमारे मध्य प्रदेश की 11.78 जो कि पॉजिटिविटी रेट आ चुकी है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों फिर भी सिंगरौली जिले में 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, पूरी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 887 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके बाद हर दिन आंकड़ा बढ़ता गया है, लेकिन 7 दिन से कोरोना में केस कम हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 10 दिन में 18% से घटकर 12% से नीचे आ गया है। स्वास्थ्य विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 13 मई को प्रदेश के 52 जिलों में से 38 जिलों में ठीक होने वालों की संख्या संक्रमितों की संख्या से ज़्यादा है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। लेकिन यहाँ पर एक बैड न्यूज है कि सिंगरौली जिले में हम जो कि 24 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इधर संक्रमण को देखते हुए जो कि 24 मई तक बढ़ चुका है और इसके साथ ही पहले गुरुवार को धार और अशोकनगर में भी सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है 24 मई तक। साथ ही रतलाम में 25 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब टोटल 4 जिले हैं जहाँ पर 24 मई तक लॉकडाउन हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना है, अगर आप सिंगरौली जिले से आते हैं कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, अब तक लिए बाय।